बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुशाबाद रखे, आपके दस्तरखान सजाए रखे, रोजी रिस्क में अल्लाह पाक आपकी बरकत दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज रुबीना के देसी दस्तरखान में बन रहा है मूंग की दाल का हलवा, तो बहुत मजेदार बनता है और बहुत मजे का लगता है। मैंने ये कप, मैंने मूंग की दाल ले ली थी, उसको मैंने अच्छी तरह धो लिया था क्योंकि इस पर केमिकल वगैरह लगे होते हैं। इसको धो के मैंने तकरीबन 4-5 घंटे ना अखबार पे फैला के इसको अच्छी तरह ड्राई करके इसको मैंने मोटा मोटा ना ग्राइंड कर लिया। ये मैंने एक ही प्याली देसी घी की ली है, आप इसको चाहे देसी घी में बनाए चाहे सिंपल घी में बनाए, लेकिन इसका ज्यादातर फ्लेवर देसी घी में आता है। उनकी दाल का हलवा आपने ना इसको ये ऐसे दानेदार बनाना है, इसको पाउडर फ्रेम में नहीं, इसको आपने ग्राइंड करना, ये आपको नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा मोटा मोटा रखना है। अब इसको हम घी में भी फ्राई करेंगे, खुशबू आने तक हम इसको मीडियम फ्लेम में भूनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दाल की बनाई हो चुकी है, तो अब इसमें हम 4 कप दूध ऐड करेंगे मेयर करके। अब इसको आपने अच्छी तरह हिलाना है ताकि इसमें ना गुठलियां ना बने। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा जाफरान, ये खुशबू के लिए हो जाएंगे। इसमें कटे हुए बादाम और इलायची, इसको प्यारा सा कलर देने के लिए हम डालेंगे इसमें जर्दा कलर। अब इसको करेंगे मिक्स, अब एक प्याली मैंने दाल की ली थी, एक ही प्याली इसमें चीनी ऐड करेंगे। अब हम चीनी ऐड कर दी, अब इसकी बनाई आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। ये बहुत ज्यादा एनर्जी वाला होता है, इसको आपने जरूर बना के अपने आप भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं। खाने के बाद कभी कभी दिल करता है ना मीठा खाने को, आप इसको जरूर बना के रखें, आप बहुत इंजॉय करें। और माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना, बहुत ज्यादा और बहुत टेस्टी बना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, नए आने वाले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बार वक्त पहुंच सके। शुक्रिया, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।